आज मैं आप लोगों के साथ अमृतसरी छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो छोले की सब्जी कोई भी बना लेता है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जिससे आपकी छोले की सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी बन के तैयार होगी। वैसे तो इस छोले की सब्जी को आप कुलचे के साथ खा सकते हैं, टिक्की के साथ खा सकते हैं, या फिर भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आज फिर इस घर की चीज़ों से बनने वाली मज़ेदार और टेस्टी छोले की सब्जी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो यहाँ पर हमने छोले की सब्जी बनाने के लिए 1 कप जो छोले लिए हैं उन्हें 4 से 5 घंटे पानी में भिगा के रख दिया है, ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए। तो अब यहाँ पर हम इनको कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल कर लेते हैं, यानी कि उबाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे छोले उबल चुके हैं, तो यहाँ पर हमने पैन के अंदर 4 बड़ी चम्मच ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, और तो अब उसमें हम 1/4 छोटा चम्मच यानी कि 1/4 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। और जैसे ही जीरा क्रैकल होने लगे, हमने जो छोले को बॉईल करके रखा था यानी कि उबाल के रखा था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड आलू लिए, यानी कि आलू जो है वो उबले हुए लिए, और उन्हें अच्छे से मैश करके इसके अंदर डाल दें। इससे इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही टेक्सचर भी बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। और चुटकी भर यहाँ पर हमने इसके अंदर हींग डाल दी है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर 1 कप जो है पानी डाल दिया है। सब्जी की जो ग्रेवी है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, यानी अगर आप थोड़ा सा गीला ज़्यादा रखना चाहते हैं, आप पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें, यानी कि अच्छे से मिला लें। तो अब यहाँ पर हमने 1/4 कप जो है इमली का पल्प डाल दिया है। और इमली के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ लिया है, ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, क्योंकि हमने छोले को पहले से ही बॉईल करके डाला था। तो अब यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच एवरेस्ट छोले मसाला डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें यानी अच्छे से मिला लें। तो अब आप देखिए कि हमारी जो सब्जी का कलर है वो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो अब यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई एक हरी मिर्ची डाल दी है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो बस हमारी जो छोले की सब्जी है वो बन के तैयार है। तो यहाँ पर इसे हरा धनिया से गार्निश कर दें। तो यहाँ पर हमने फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। तो तैयार है हमारी अमृतसरी छोले की सब्जी, जो कि दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। एक बार आप इसे बना करके खाएंगे तो 2 की जगह जो है 4 रोटी खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसे भटूरे के साथ खाएं, या फिर नान के साथ खाएं, या कुलचे के साथ खाएं, या फिर पूरी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो क्यों ना आप भी अपने घर पर इस अमृतसरी छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।